हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 के एमसीक्यूज रीड करेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ याद करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विशेष कौशल के बारे में आंकड़ों की सहायता से जानकारी एकत्र करने के लिए परीक्षणों व तकनीकों का प्रयोग डैश कहलाता है। चार ऑप्शन हैं, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण और निष्कर्ष, जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ए, मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष की कमर की परिधि या घेरा 40 इंच है और हिप की परिधि या घेरा 48 इंच है तो उसका वेस्ट हिप अनुपात क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 0.84, 0.83, 1 और 0.92। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, 0.83। जब आप 48 से 40 को डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक बनावट के आधार पर किया गया। स्पेंशर व सीलर, फ्रायड, हर्बर्ट शेल्डन या रॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट शेल्डन। क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक बनावट के आधार पर मेसोमॉर्फ संरचना वाले व्यक्ति किस खेल के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। भारत्तोलन में पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, जिमनास्टिक, शतरंज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के किस घटक के मापन हेतु किया जाता है। लचक, मांसपेशी शक्ति, हृदय वाहिका संबंधी सहन क्षमता या शरीर की संरचना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय वाहिका संबंधी सहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परीक्षण का संबंध हृदय वाहिका संबंधी सहन क्षमता के मापन से नहीं है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, रॉक पॉट परीक्षण, फिलिप्स JCR परीक्षण और क्वींस कॉलेज स्टेप परीक्षण। तो छठे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स JCR परीक्षण। टटल नाड़ी अनुपात परीक्षण का आरंभ कब हुआ, 1931, 1947, 1930 या 1929। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्रॉस वेबर परीक्षण का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के किस घटक के मापन हेतु किया जाता है। हृदय वाहिका संबंधी सहन क्षमता, लचक, मांसपेशी शक्ति, शरीर की संरचना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशी शक्ति राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टटल नाड़ी अनुपात परीक्षण का प्रयोग पुष्टि मापने हेतु किया जाता है। कौन सी पुष्टि मापने हेतु किया जाता है, फेफड़ों संबंधी पुष्टि, हृदय वाहिका पुष्टि, लचक या शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय वाहिका पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस वेबर परीक्षण में कुल कितने मद शामिल हैं, 5, 6, 8 या 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 राइट आंसर है। फेफड़ों की क्षमता मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर, मैनोमीटर, स्पाइरोमीटर या स्फिग्मोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मद को फिलिप्स JCR मांसपेशी शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता। पुशअप्स, ऊर्ध्वाधर कूद, चिनअप्स या शटल रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुशअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक स्क्रैच परीक्षण का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के किस घटक के मापन हेतु किया जाता है। लचक, मांसपेशी शक्ति, शरीर की संरचना या मांसपेशी सहन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए, लचक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA बेंच प्रेस परीक्षण में शरीर के ऊपरी हिस्से की शक्ति मापने के लिए पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बार बेल का कुल कितना वजन होना चाहिए। 16 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 32 किलोग्राम, 36 किलोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बॉडी मास इंडेक्स की गणना के लिए BMI सूचकांक तालिका में सामान्य भार कितना होगा, 18.5 से कम, 25 से 29.9 तक, 18.5 से 24.9 तक या 740 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 18.5 से 24.9 तक सामान्य भार माना जाता है। वेस्ट हिप अनुपात की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है।
कूल्हों की परिधि बटा कमर की परिधि, शरीर का भार बटा ऊंचाई गुणा ऊंचाई, कमर की परिधि बटा कूल्हों की परिधि, छाती की परिधि बटा कमर की परिधि। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, कमर की परिधि बटा कूल्हों की परिधि राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।